देखिए, पिछले दिन सरकार ने देश के लोगों से आह्वान की कि जनता कर्फ्यू में वो सहयोग करे। देश के जनता ने बहुखूबी सहयोग किया, लेकिन देश के लोगों को इस सरकार से अपेक्षा थी कि आज एक वित्तीय पैकेज का घोषणा करते। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या दक्षिण भारत हो, सारे प्रदेश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इससे वे छोटे दुकानदारों को मुश्किल में पड़ते हैं, इससे वो ठेला गाड़ी चलाने वाले, वो जो हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, जो विभिन्न जो हमारे इन्फॉर्मल सेक्टर में हैं, उनको आज मुश्किल में पड़ते हैं। उनको मदद करने के लिए एक रिलीफ पैकेज, एक स्टिमुलस पैकेज आज सरकार को घोषित करनी चाहिए थी। दुनिया के हर बड़े प्रदेश ने, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो या चाइना हो, सब ने अभी तक फिस्कल वित्तीय पैकेज घोषित कर दिया है, लेकिन आज हमारे देश में आज भी देर हो रही है। ये बात अगर केंद्र सरकार 12 फरवरी को ही समझ लेती, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना वायरस को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, तो आज ये नौबत देखनी ना पड़ती। आज हम 2 महीने पीछे हैं कोरोना वायरस के संघर्ष, जो हमारी जंग है कोरोना वायरस के साथ, लेकिन हमारा आश्वासन है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, जुटे रहेंगे, तो हम सब कोरोना वायरस के इस संघर्ष में हमारी जीत निश्चित है। तो मेरी अपेक्षा है कि भारत की जनता अपने जो उनके जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को तो कायम करेंगे ही, निभाएंगे ही, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार भी अपने जिम्मेवारी को अच्छी तरीके से निभाए।